कहानी छे परमेश्वर इसहाका खतर इंतजाम करा। जब अब्राहम बहुत बूढ़ा हुई गया तब तीसरा बेटा इसहाक ब्याह करने खतर जवान हुई गया था। तब अब्राहमा ने अपने एक सेविका जो अपने बेटा इसहाका जो तिस देशा ते एक घराली लाने जो भेजा जीती तीसरे रिश्तेदार थे। जिथी अब्राहमा रे अपने रेया थे तिस देशा जो जाने री एक लंबे रस्ते ते बाद परमेश्वरा ने तीसा सेविका रा सामना रिबका से करवाया। से अब्राहमारी भाइयारी पोती थी। रिबका अपने परिवारा जो छड़ी के तीस सेविका कने जाने जो तैयार हुई गी। तब जिया ही से घर पहुंचे इसहाका ने तीसा कने ब्याह कर लिया। बहुत दिन बाद अब्राहम मरी गया। तब परमेश्वरा ने अब्राहमारे बेटा इसहाका जो अब्राहमारे साथी जो वादा किया था तित्तेरी वजह ते आशीष दीती। अब तित्ते च परमेश्वरा रा एक वादा था कि अब्राहमा रे अनगिनत वंशज होने पर इसहाका री पत्नी रिबका रे कोई बच्चे नहीं हुए। इसहाका ने रिबका खातर दुआ मांगी। तब परमेश्वरा ने तीसा जो जुड़वा बच्चे पैदा करने री आशीष दीती। जिस समय बच्चे रिबका रे पेटा ची थे से अपुच लड़ने लगी गए। इत्ते खातर रिबका ने जो कुछ होने लग रहा था परमेश्वरा जो बताई था। परमेश्वर रिबका जो बोलिया तू दो बेटे जो पैदा करगी तिन्हारे दो अलग अलग जाति होनी से एक दूजे कने लड़ गए पर बड़े बच्चे ते पैदा होने वाला जाति जो छोटे बच्चे री जाति री बात माननी पड़नी। जब रिबका रे बच्चे पैदा हुए तब बड़ा बेटा लाल और बाड़ा वाला था तिने तीसरा नाव एसाव रखा। तब छोटा बेटा एसाव री अड्डी पकड़ी के पैदा हुआ तिने तीसरा नाम याकूब रखा।